आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। संभल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गुन्नौर के बीजेपी विधायक अजीत यादव ने प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए 20 सितंबर को धरना देकर भ्रष्टाचार के खुलासे का ऐलान किया है। विधायक का आरोप है कि गाय खेतों को चर रही है, जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है। गाय से दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो रही है। हमारे क्षेत्र की और जिले की जो जन समस्याएं हैं, जिससे किसान बहुत पीड़ित है, उसके संबंध में हमने उनको अवगत कराया है कि हमारे जिले में और क्षेत्र में जो गाय हैं वो बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पर घूम रही हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ गाय भी एक्सीडेंट हो करके उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी कुछ दिन पूर्व 17-18 गाय रेलवे लाइन से भी कट गई थी, तो इन गाय की जो है हमारे गंगा की कटरी में बहुत ज़मीन है, वहाँ पर इनकी व्यवस्था की जाए, इसके संबंध में हमने बोला है। और दूसरी समस्या है कि जो किसान है वो अपने ही खेत से जब अपने घर के लिए या अपने घर के लिए जब मिट्टी लाता है तो उसके लिए पकड़ लिया जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है और उससे जो है अवैध वसूली की जाती है। इससे हमारा जो किसान है वो जन पूरा सभी लोग पीड़ित हैं। और तीसरी जो समस्या है वो ये है कि जो बिजली है वो बिजली के क्षेत्र में भी जो बिल है वो कुछ गड़बड़ कर दिए जाते हैं और उनको बढ़ा दिया जाता है, कभी घटा दिया जाता है, ये भी। और चौथी जो समस्या है वो ये है चकबंदी, जिन गांव में हमारे क्षेत्र में जिन गांव में चकबंदी चल रही है उसके जिले से लेकर के जो लेखपाल हैं वो किसानों से अवैध रूप से उनका शोषण कर रहे हैं। इस प्रकार की जितने भी समस्याएं हैं, फर्जी मेडिकल भी बनवा लेते हैं कुछ लोग, चोट लग जाती है तो उससे अवगत कराने के लिए हमने उनको एक ज्ञापन दिया है कि इस समस्या का जल्दी ही समाधान किया जाए। इससे पूर्व भी हमने उनको कई बार इस समस्या को बारे में बता चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इसका कोई समाधान नहीं किया है। कुछ लोग परमिशन बनवाने के लिए जाते हैं, जो जिले के अधिकारी हैं वो भी उनसे जो है किस चीज़ की परमिशन, जो ज़मीन बेचने की जो परमिशन है उसको बनवाने के लिए जाते हैं, SC की जो परमिशन लेते हैं तो उसमें भी अवैध रूप से उनसे पैसा लिया जाता है। इससे पीड़ित होकर के लोग हमको शिकायत करते हैं और जो शिकायत हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में आई है, तब हमने इस चीज़ को। गंगा क्षेत्र में पर्याप्त जमीन होने के बावजूद प्रशासन गायों के लिए सही प्रबंध नहीं कर रहा है। घरेलू इस्तेमाल को खेत से मिट्टी लाने पर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। बिजली के बिल घटा बढ़ा कर भेज कर उगाही की जाती है। जमीन की बिक्री की अनुमति में जनता से उगाही और परेशान किया जाता है। इसके अलावा तमाम गंभीर आरोप विधायक ने लगाए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आरोप ADM पर हैं। विधायक ने ADM को ज्ञापन देकर 20 सितंबर को धरने का ऐलान किया है। वहीं 21 सितंबर को संभल में CM का संभावित दौरा है। संभल से सनी गुप्ता, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार।